हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज से हम एफआई बीकॉम का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पार्ट वन, दैट इज सेमेस्टर वन में जो एफआई बीकॉम का है उसका हम लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर्स में हम सारे यूनिट्स पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का सिलेबस क्या है? सो दिस इज द सिलेबस ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, दैट इज यूनिट वन। ओके, तो शेयर्स में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, सिंपल एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर। अभी शेयर का इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी के लिए हमें क्या लगता है? अमाउंट लगता है। तो उस अमाउंट को शेयर्स में क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। वो जो अमाउंट हम कंपनी खोलने के लिए लगता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड अगर हम करेंगे, ठीक है, कैपिटल को अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, सो अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और कोई भी शेयर्स के दो वैल्यू होते हैं, एक है फेस वैल्यू और दूसरा है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू मतलब कि वो हमेशा सेम ही रहता है, 2001 में भी वही रहेगा। अगर सपोज एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो 2001 में भी वो 100 रहेगा, 2030 में भी वो शेयर का जो वैल्यू है फेस वैल्यू 100 ही रहेगा। लेकिन मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट प्राइस MP, वो चेंज होता है। 2001 में सपोज 101 है तो 2030 में तो कुछ भी हो सकता है, 2020 में उसका वैल्यू 125 हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू सेम रहता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। ओके, फेस वैल्यू जो है रुपीज 100 हो सकता है, रुपीज 50 हो सकता है, रुपीज 10 हो सकता है, 5, 2, 1। ओके ओके, यहाँ पर सब दिया है, मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगी। जो भी शेयर्स खरीदते हैं उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। जो शेयर होता है उसमें अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट अगर किसी को होता है तो उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, डिविडेंड, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी सॉल्व करने के लिए आएंगे। फाइंड टोटल डिविडेंड, फाइंड डिविडेंड। ओके, सो जो प्रॉफिट है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस में भी दो टाइप्स है, कम्युनिटी, नॉन कम्युनिटी। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, ये शेयर जिसने खरीदे हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा होती है इक्विटी शेयर से। ठीक है, From the profit made by a company, a dividend at a fixed rate is paid to them first before distributing any profit amount to the equity shareholder. मतलब equity shareholders को बाद में profit मिलेगा, मतलब dividend मिलेगा, लेकिन पहले किसको मिलेगा? Preference shareholders. Okay? अगर company बंद हो रही है तो भी जो capital, मतलब कि जो पैसे हैं वो पहले किनको मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेंगे। उसमें भी दो टाइप से, कम्युनिटिव और नॉन कम्युनिटिव। कम्युनिटिव मतलब क्या? इन केस ऑफ लॉस और इन एडिक्वेट प्रॉफिट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट पेड देयर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, देन द डिविडेंड इज एक्युमुलेटेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स टू दिस शेयर होल्डर एंड इज पेड प्रेफरेंशियली व्हेनेवर पॉसिबल। सपोज 2020 में लॉस हुआ है, ठीक है, तो फिर वो जो आपका डिविडेंड है, मतलब कि प्रॉफिट है उस ईयर का, उस ईयर तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो नेक्स्ट ईयर या जब भी पॉसिबल है आपको वो डिविडेंड आपका मिलेगा। ठीक है, मतलब कम्युनिटिव में वो डिविडेंड आपको मिलता है। अगर पिछले साल या कभी भी लॉस होता है तो फिर आगे चल के आपको वो डिविडेंड मिलता ही है। वैसे नॉन कम्युनिटिव में नहीं है। यहाँ पर आपको अगर कभी लॉस हुआ है कंपनी को तो उस साल का डिविडेंड जो है वो आपको आगे चलकर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कम्युनिटिव और नॉन कम्युनिटिव।
नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स, दूसरा टाइप प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अभी जैसे पता है इक्विटी शेयर्स मतलब क्या है, इनको बाद में प्रेफरेंस होता है। दिस आर द शेयर्स फॉर हुम डिविडेंड एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज पेड आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये ऑलरेडी बताया है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है और ये कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है शेयर मार्केट, द प्लेस एट विच द शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड अ शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मार्केट प्राइस का मैंने ऑलरेडी बताया है एंड द प्राइस एट विच अ शेयर इज ट्रेडेड इज कॉल्ड इट्स मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इफ मार्केट प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल है, तो उस शेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडेड एट पार। अगर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एफवी है तो शेयर को क्या बोलेंगे, अबोव पार। ठीक है, और प्रीमियम, प्रीमियम शेयर, अबोव पार शेयर। ओके, नेक्स्ट इज एमपी इज लेस देन एफवी, मतलब मार्केट प्राइस लेस है फेस वैल्यू से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिलो पार। ओके, तो एमपी इज ग्रेटर देन एफवी अबोव पार, एमपी इज लेस देन एफवी इज बिलो पार, एंड इफ बोथ आर इक्वल देन इट इज एट पार। ओके, नेक्स्ट है ब्रोकरेज। कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो उसके लिए हमें ब्रोकरेज, मतलब कि सपोज हम किसी ब्रोकर से खरीद रहे हैं तो उसे हमें कमीशन देना होता है, उस कमीशन को हम बोलते हैं ब्रोकरेज। यहाँ पर भी जब हम शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, उस वक्त हमें कमीशन चार्ज करना पड़ता है, दे चार्ज अ कमीशन, तो उस कमीशन को क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। द ब्रोकरेज इज चार्ज एज परसेंटेज ऑफ द एमपी ऑफ द शेयर। ब्रोकरेज जो है वो एमपी पर, मार्केट प्राइस पर लगता है, नॉर्मली इट इज बिलो 1%। ओके, और फेस डिविडेंड जो है, जब हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो उस डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे हमें मिलता है और ब्रोकरेज मार्केट प्राइस पर है। ठीक है, वो अभी आपको फॉर्मूला से पता चलेगा। नेक्स्ट है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का जो कंसेप्ट है, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वो हम तभी पढ़ेंगे एग्जांपल्स के समय। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है फॉर्मूले, नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपको बोला है फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स और गिवन कुछ चीजें गिवन होंगी, ज्यादातर हम लास्ट जो फॉर्मूला लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट प्राइस, वहां पर दिया होगा अमित इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 इन वॉट एवर शेयर और उसका मार्केट प्राइस दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट प्राइस करेंगे, आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टोटल डिविडेंड, हमें यही एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने हैं, डिविडेंड के ऊपर हम पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल डिविडेंड इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, जो भी परसेंटेज में गिवन है वो लिखना है, सपोज 9% है तो 9 लिखना है। इन टू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर, आपको एक ही शेयर का फेस वैल्यू दिया होगा और नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इन टू फेस वैल्यू। ओके, वो एग्जाम्पल के समय हम देखेंगे और डिवाइड बाय 100। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में आपको टोटल डिविडेंड गिवन होगा और रेट ऑफ डिविडेंड पूछा जाएगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने ऊपर जो फॉर्मूला दिया है उसी से बनाया है। 100 को हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना है इसलिए उसको एज इट इज रखेंगे और फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दो फॉर्मूले से आज हम देखेंगे और ये नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला, यही पर हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। आगे की जो फॉर्मूले हैं उसके ऊपर जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तभी हम वो फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Bye.